नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे और जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट दो क्लास हमने जो देखा, एक तो पहले हमने पहली पार्ट में हमने ये देखा था कि संवैधानिक विकास प्रस्तावना और संविधान सभा के बारे में देखा था। सेकेंड जो हमने क्लास देखा उसमें हमने देखा कि पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाग चार और भाग चार ए। ठीक है, क्लियर? तो सेकेंड मतलब जो पहली और दूसरी वीडियो थी वो आपने देखा होगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिए हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के चैनल में। ठीक है, उसके बाद देखो सिक्वेंस से पढ़ते चलोगे तो बहुत आसानी होगी तैयारी करने में। ठीक है, तो जो अभी तक उन दो वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो को पहले देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो भाग चार है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और चार पार्ट फोर ए जो है वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। इसके पहले हम कंटेंट देखेंगे कि ये क्या है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज, इसके एमसीक्यू। ठीक है, तो मुस्कुराइए, आप कंपटीशन कम्युनिटी के साथ हैं, और एक बार जोरदार जरूर बोले आर या पार, पैदल या कार। ठीक है, ये जो वर्ड है ना ये बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो जब भी पढ़ो तो इसको एक बार याद रखो, बहुत काम की चीज़ है ये, आर या पार, पैदल या कार। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो जैसा कि पार्ट भाग चार है जिसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 तक, उसके बाद भाग चार ए है जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 51 ए में। क्लियर है, तो पहले हम पूरे आर्टिकल्स देखते हैं उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। चलिए, ठीक है, ओके। आर्टिकल 36 जो है वो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 36 बात करता है किसके बारे में? राज्य के नीति तत्वों की परिभाषा के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 36 क्या है, परिभाषा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी इसको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो आर्टिकल 36 परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 ये बताता है कि डीपीएसपी को कहाँ नहीं ले जाया जा सकता, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक, और इसी में कहा गया है कि राज्य को ये आदेश है कि वह दिए गए संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार क्या करे, कार्य करे। बट यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि जैसे मौलिक अधिकार, ठीक, तो मौलिक अधिकार ऐसा है कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो हमसे छीनता है हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। मगर यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये है कि आप इससे संबंधित किसी भी मैटर को कहाँ नहीं ले जा सकते, न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये राज्य के ऊपर है कि राज्य इसके अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी में ही कहा गया है, भले आर्टिकल 38 में है वो बात जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तो क्या है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं, बट इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, इसके मैटर को न्यायालय में हम केस नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, और इसी में बताया गया कि राज्य को यह अधिकार है कि वो क्या करे, कि दिए गए नियमों के अनुसार कार्य करें। ठीक है, ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। ये मेन शुरू होता है आर्टिकल 38 से, 38 से लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 36, 37 नहीं भी पढ़ोगे नहीं भी जानोगे तो चल जाएगा, क्लियर। उसके बाद 38 बोलता है सामाजिक व्यवस्था, राज्य को यह आदेश है कि वो क्या करे, सामाजिक व्यवस्था बना के रखे जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो, स्थापना हो। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था बनाने के बारे में बोलता है आर्टिकल 38, क्लियर। फिर उसके बाद 39 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये क्या बोलता है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क, इक्वल पेमेंट। कौन सा आर्टिकल है 39, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, कैसा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 39 ए बोलता है निशुल्क न्याय या निशुल्क विधिक सहायता,
जो निशक्त जन है, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको निशुल्क न्याय की व्यवस्था कराना, विधि सहायता प्रदान करना, ये आर्टिकल 39A बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। ध्यान देना, यहां मैं पंचायत नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में बोला है आर्टिकल 40 में, क्लियर। उसके बाद 41, आर्टिकल 41 बोलता है कुछ दशाओं में, विशेष दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में शिक्षा व रोजगार का अधिकार देना, ठीक, कमजोर वर्गों को कुछ विशेष दशाओं में शिक्षा रोजगार की सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 41। उसके बाद आर्टिकल 42, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 42 बोलता है दो बातें बोलता है, ये पहला बोलता है कि कार्य स्थल पर स्वच्छ वातावरण बनाना कार्य करने के लिए, और दूसरा यहीं पर बोलता है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। पेन कट रहा है, नीचे का बोर्ड खराब है, लिखाने में वो कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनो। 42 दो बातें बोलता है, एक बोलता है कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण बनाना ताकि एकदम माहौल अच्छा सा रहे, खुशनुमा रहे कार्य करने पे। दूसरा इसी में ही बोला जाता है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश के बारे में। मातृत्व अवकाश पहले 24 सप्ताह का था, ठीक, बट मोदी जी जब से आए उन्होंने 2 सप्ताह और बढ़ा दिया, तो मातृत्व अवकाश अभी वर्तमान में 26 सप्ताह का है, ठीक। मातृत्व अवकाश में जो भी महिला, जो महिला काम करती हैं, जो सरकारी जॉब में है, उन्हें क्या, अगर वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उन्हें 26 सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिलेगा, इस बीच उनकी सैलरी नहीं कटेगी, क्लियर है। अब वो 26 सप्ताह का लीव कब लेती है वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, हो सके वो 7वें महीने में ले ले, 6वें महीने में ले ले, 4थे महीने में ले ले, जब उसको लेना ले ले, बट बच्चे के जन्म से पहले, क्लियर है, ठीक। तो मैटरनिटी लीव के बारे में बोलता है आर्टिकल 42, और कार्यस्थल पर वातावरण, स्वच्छ वातावरण बनाने की बात करता है आर्टिकल 42। फिर उसके बाद आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 बोलता है किसके बारे में, कार्य का उचित भुगतान कर्मकारों को, मतलब जो काम कर रहे हैं मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उनको कार्य का उचित भुगतान हो, समय पर भुगतान हो, उनको समय पर वेतन मिले, तो कार्य का उचित भुगतान, समय पर भुगतान के बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल 43। इसी को ही 43 को दो पार्ट में बांटा गया है, एक 43A है जो बोलता है उद्योगों में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का योगदान या भागीदारी बोल सकते हैं इसको, योगदान या भागीदारी, कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रबंधन में कर्मचारियों का भी क्या हो, भागीदारी हो, ये आर्टिकल 43A। यहीं पर है आर्टिकल 43B, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि उसको मैं रखा नहीं हूँ, ठीक। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B बोलता है सहकारी समिति का गठन, सहकारी समिति के गठन के बारे में बोलता है आर्टिकल 43B। तो 43 में दो क्लॉज है, एक 43A, एक 43B। 43 बोलता है कर्मकारों को उचित भुगतान, वेतन का उचित भुगतान हो, समय पर भुगतान हो। 43A बोलता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार या कर्मचारियों का, कर्मचारियों की भागीदारी, और 43B बोलता है कि सहकारी समिति का गठन, क्लियर है। 36 परिभाषा, 37 न्यायालय से संबंधित है, 38 सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करता है, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 39A निःशुल्क विधिक सहायता, 40 नंबर का पंचायत, 41 कुछ विशेष दशाओं में शिक्षा रोजगार की सहायता, 42 कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण व मैटरनिटी लीव, 43 कर्मचारियों को उचित या समय पर भुगतान, 43A क्या बोलते हैं उद्योगों में कर्मकारों या कर्मचारियों का भागीदारी, 43B सहकारी समिति का गठन। एकदम सरल है और एक लाइन पर याद होना चाहिए, क्लियर है। फिर उसके बाद 44 बोलता है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता,
फिर 45 जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखो, एक है शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 21A, जिसमें कहा गया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसी को ही 45 में भी रखा गया है। ठीक, 45 में किसके लिए रखा गया है? 45 में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक, कहां से? आंगनबाड़ी से संबंधित बात बोलता है और यहां पर निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के बारे में बोलता है। तो 45 भी किससे संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाएगी, प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा। क्लियर? ठीक, ये हो गया आपका 45। उसके बाद 46 बोलता है एससी एसटी को शिक्षा रोजगार का अधिकार तथा शोषण से उनकी सुरक्षा करना, शोषण से संरक्षण का अधिकार। ठीक, एसटी एससी और कमजोर वर्ग भी है यहां पर, ध्यान देना, कमजोर वर्ग, इसको भी याद रखिएगा, एसटी एससी कमजोर वर्गों को शिक्षा रोजगार का अधिकार और उनको शोषण से संरक्षण के बारे में बात किया है आर्टिकल 46। ठीक, या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि उनके आरक्षण के बारे में बात किया, ये बोल सकते हैं अपन। क्लियर, मगर साफ साफ लिखा हुआ है कि एसटी एससी कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार का अधिकार देना तथा उनको शोषण से उनका संरक्षण करना। क्लियर, ये आर्टिकल 46 बोलता है। उसके बाद 47, ये भी इंपॉर्टेंट है, 47 बोलता है स्वच्छ स्वच्छ पोषक आहार तथा मादक पदार्थ निषेध। तो स्वस्थ पोषक आहार पाने का अधिकार है हमको, और मादक पदार्थ निषेध करने की बात किया है आर्टिकल 47 कि जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीली पदार्थ हैं, चाहे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए। मगर बैन है क्या? नहीं है। इसी कारण यहाँ पर ये कह दिया गया है कि इनको राज्य सरकार के ऊपर है कि वो इसको बैन करती है नहीं करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा है कि अगर इसको बैन कर देगी तो ख़त्म, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को सबसे अधिक इनकम यहीं से होता है, आबकारी से। ठीक है, अब तो खुद ही बेच रही है सरकार। क्लियर, ठीक, तो 47 किसके बारे में बोलता है? स्वच्छ पोषक आहार और मादक पदार्थ निषेध। उसके बाद आर्टिकल 48 कृषि व पशुपालन के बारे में बात करता है कि राज्यों को यह आदेश है कि अपने राज्य में कृषि पशुपालन का संरक्षण करें, उनके लिए नियम कानून बनाए ताकि कृषि आगे बढ़े, पशुपालनों का, पशुओं का क्या हो, संरक्षण हो। तो आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन से संबंधित है। उसके बाद 48A वन और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में है, वन पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, कि राज्य अपने राज्य में वन और पर्यावरण का संरक्षण करे, जीव जंतुओं का संरक्षण करे, ये आर्टिकल 48A। उसके बाद 49, आर्टिकल 49 बोलता है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना, जितने भी ताजमहल हैं, मतलब जितने भी कई ताजमहल है, ताजमहल, लाल किला, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका संरक्षण करना। वरना यहाँ पर प्रेमी जोड़े क्या करते हैं, मस्त तीर का निशान बनाते हैं, अपना नाम लिखेंगे, प्रेमी का नाम लिखेंगे और बर्बाद करते हैं दीवार को। तो इन सब चीज़ों से क्या करना, उनका संरक्षण करना। कभी भी कोई दंगंगा होता है तो महान पुरुषों की मूर्ति तोड़ दी जाती है, ठीक, तो वो भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। क्लियर, तो इन सब का क्या करना, संरक्षण करना। तो ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के बारे में किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 49 के बारे में, मतलब आर्टिकल 49 में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 50 बोलता है शक्ति या कार्य का विभाजन, शक्ति या कार्य का विभाजन किसके बीच? तो ये बोलता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य
शक्ति या कार्यों का विभाजन करना, कि विधायिका को बोला गया है कि वो नियम कानून बनाए, कार्यपालिका को बोला गया कि उस नियम कानून को लागू करे, और न्यायपालिका को कहा गया कि वो न्याय का काम करे। तो तीनों के कार्यों में विभाजन किया गया है या उनके शक्तियों में बंटवारा कहा गया है। तो शक्ति का विभाजन या शक्ति का बंटवारा या कार्यों का बंटवारा आर्टिकल कौन सा है, 50 है। ठीक, उसके बाद 51, आर्टिकल 51 ये बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, आतंकवाद नक्सलवाद को खत्म करना, उनको पलने फूलने मत देना, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात करते हैं आर्टिकल 51। क्लियर, तो ये आपका 36 से 51 क्या हो गया, नीति निदेशक तत्वों के बारे में हो गया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 36 परिभाषा, 37 न्यायालय से संबंधित है मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों के, 38 सामाजिक व्यवस्था इसी में ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में है, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 39A निःशुल्क न्याय या विधि सहायता प्रदान करना, 40 ग्राम पंचायत, 41 कुछ विशेष दशाओं में रोजगार शिक्षा का अधिकार, 42 कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण और प्रसूति सहायता प्रदान करना मतलब मातृत्व अवकाश, फिर उसके बाद 43 कर्मकारों को समय पर उचित भुगतान करना, 43A उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, 43B सहकारी समिति का गठन, 44 समान सिविल संहिता, 45 निःशुल्क शिक्षा के बारे में आंगनबाड़ी के सहायता से, उसके बाद 46 ST/ST कमजोर वर्गों को शिक्षा रोजगार का अधिकार, शोषण से उनका संरक्षण, 47 मादक पदार्थ निषेध, स्वस्थ पोषक आहार, 48 कृषि और पशुपालन का संरक्षण, 48A वन्य पर्यावरण का संरक्षण, 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना, 50 शक्ति और कार्य का विभाजन, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बना के रखना। क्लियर, अब इसके बाद भाग 4A, तो भाग 4A किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है ये। ठीक, इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, लागू किया गया। जब फंडामेंटल ड्यूटीज लागू किया गया संविधान में, कब लागू किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 और कौन सी तारीख को, 3 जनवरी को। ठीक है, क्लियर, तो 3 जनवरी 1976 को इसको संविधान में शामिल किया गया। जब शामिल किया गया तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। क्लियर, उसके बाद सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत निशुल्क शिक्षा के अधिकार को भी 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अभी वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वर्तमान में हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्लियर है, मगर जब संविधान में शामिल किया गया था 1976 में तब 10 थे। ओके, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर खत्म। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, तो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि संविधान के आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान राष्ट्रध्वज का सम्मान। ठीक, संविधान के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, पहला फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि महान पुरुषों की उपदेशों को अपने हृदय में धारण करना। किसको धारण करना, उपदेशों को, कहाँ, हृदय में, उपदेशों को, हृदय मतलब होता है दिल, एकदम अजब वर्ड लग रहा है हृदय। ठीक है, तो दिल, अपने दिल में धारण करना। क्लियर, और उसको जीवन में उतारना ताकि आपका जीवन भी महान हो जाए। तो पहला आदर्शों का सम्मान करना, ठीक, मतलब संविधान के आदर्शों का पालन करना और राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। दूसरा, महापुरुषों के उपदेशों को अपने हृदय में धारण करना। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलता है, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है राष्ट्र की एकता अखंडता बना के रखना ताकि किसी प्रकार का कोई भी देश की एकता अखंडता को भंग मत करे। क्लियर, उसके बाद चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर अपने प्राण इछावर करना।
मतलब देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, ठीक है। ये कौन सा है, बोलता है चौथे नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लियर है। ठीक, तो पहला आदर्शों, संविधान के आदर्शों का पालन, राष्ट्रगान राजध्वज का सम्मान, दूसरा हृदय में धारण करना, किसको, महापुरुषों के उपदेशों को, किसी और को धारण मत करना, तीसरा देश की एकता अखंडता बना के रखना, चौथा देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर दे देना, क्या प्राण दे देना, ठीक है, कुछ और नहीं चाहिए देश को। ठीक, उसके बाद पांचवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बोलता है कि पांचवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है भाईचारा बंधुता बना के रखना। ठीक, एकदम शॉर्टकट कीवर्ड बता रहा हूं, यही लिखा रहेगा। ठीक, तो कीवर्ड में याद करो, पांचवा भाईचारा बंधुता। उसके बाद छठवें नंबर का बोलता है प्राचीन परंपरा संस्कृति का संरक्षण करना, क्योंकि हमारी परंपरा खत्म होती जा रही है। ठीक, पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, वो भी घुटने से फटा हुआ पहन रहे हैं ना भैया। ठीक, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कुछ याद रहे ना रहे, 14 फरवरी बोलो तो हर किसी को याद होता है कि वैलेंटाइन डे, मुझको भी रहता है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि नहीं मैं नहीं मनाता, हम भी मनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं मनाते, ठीक है, क्लियर। बट एक बात बता रहा हूँ, मनाना चाहिए, हर चीज़ मनाना चाहिए, त्यौहार है भैया, मनाना चाहिए, ठीक है। और वो तो हमारा, हमारे लिए मतलब हम जैसे युवाओं के लिए हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो, क्यों, क्लियर, ओके। तो छठवें नंबर का क्या बोलता है, प्राचीन परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करना। सातवें नंबर का बोलता है पर्यावरण का संरक्षण, यहां भी बोला है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण जीव जंतुओं का संरक्षण। ठीक, सातवां फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ये याद रखना है आपको कि इसको सिक्वेंस में ही याद करना है, पहले नंबर पर जो है पहले नंबर पर रहेगा, पांचवें नंबर पर जो पांचवें नंबर पर रहेगा, ऐसा नहीं कि पहले नंबर पर है तो उसको चौथे पे ले आए, सातवां नंबर है तो उसको आठवें पे ले आए, ऐसा नहीं करना है, उसको सीक्वेंस में ही याद करना है, क्लियर। फिर उसके बाद आठवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि वैज्ञानिक विधि से कार्य करना, वैज्ञानिक विधि से कार्य करना, देश के विकास में अपनी सहभागिता देना, कीवर्ड लिख रहा हूं मैं, वैज्ञानिक विधि से कार्य करना, ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपका है आठवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज कि वैज्ञानिक विधि से कार्य करना। ठीक है, उसके बाद नौवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज, नौवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ठीक, ये भी यहीं पर बोलता है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, नौ नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज। दस नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करके, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करके देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करना और देश के विकास में अपना योगदान देना या भागीदारी सुनिश्चित करना, दोनों कर सकते हो, पर्सनली काम करके देश के विकास में योगदान दो, सामूहिक रूप से काम करके देश के विकास में योगदान दो, क्लियर। तो ये कौन सा नंबर है, दसवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज। यहीं तक जो था वो 1976 में संविधान में शामिल किया गया था, 2002 में जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो 11 नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज बना, और यहां पर कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करें। किसका कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करें। ठीक, तो ये टोटल 11 फंडामेंटल्स ड्यूटीज हैं, एक बार रिपीट करता हूँ फिर सीधा एमसीक्यू में आते हैं। पहला आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान, दूसरा हृदय में धारण करना, किसको, महापुरुषों की उपदेशों को, सॉरी दूसरा महापुरुषों के उपदेशों को हृदय में धारण करना, तीसरा बनाए रखना, क्या, देश में एकता अखंडता, चौथा दे देना, क्या, अपने प्राण, कहाँ, देश के लिए, और देश की क्या करना, रक्षा करना, पांचवा भाईचारा बंधुता बना के रखना, छठवा परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करना, सातवा पर्यावरण का संरक्षण करना, आठवां वैज्ञानिक विधि अपना करके देश के विकास करना, नौवां ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, दसवां व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करना और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्यारहवां माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करें, क्लियर। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। ठीक, एक बात याद रखना कि
फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कमेटी का गठन किया गया था, वर्मा कमेटी, जो वर्मा जी थे, मतलब वो जो वर्मा कमेटी थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत के न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने एक सिफारिश की थी कि हमें हर साल 3 जनवरी को फंडामेंटल ड्यूटीज मनाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को कर्तव्य के बारे में पता चलेगा, ठीक, लोग उसके प्रति जागरूक होंगे। तो उन्होंने ये सिफारिश की थी कि 3 जनवरी को हमें क्या मनाना चाहिए, फंडामेंटल्स ड्यूटीज मनाना चाहिए। क्लियर है, ठीक। और एक बात याद रखना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ में आ गया। अब आ जाओ सीधा MCQ में, ठीक। तो पहला MCQ है आपका कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। मतलब भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। ऑप्शन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो अब देखो भाग 4 में कौन कौन सा है। तो भाग 4 में आपका सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39, ठीक, उसके बाद धन नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, यह है आपका कौन सा, आर्टिकल 42। अब आ जाओ आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, आजीविका के पर्याप्त साधन है, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 43। और उसके बाद धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, तो कौन सा अधिकार नहीं देता, सी नंबर का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, इसके बारे में भाग 4 में वर्णन नहीं है, ठीक। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। हाँ, एक बात और याद रखो कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लिया गया है रूस से हमारे यहाँ, ठीक, और विश्व में सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया था जापान ने कहा था, मगर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में और जापान के फंडामेंटल ड्यूटीज में अंतर यह है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, वहाँ पर सजा का प्रावधान नहीं है, मगर जापान के फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मानते हो तो वहाँ पर पेनल्टी, सजा का प्रावधान है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है हमारे देश में, ठीक, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, मगर हाँ कुछ ऐसे हैं जिसको ना मानने पर सजा है, जैसे झंडा का अपमान करोगे तो सजा का प्रावधान है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करोगे तो सजा का प्रावधान है, मगर वो एक कानून के तहत है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, तो कौन से भाग में, भाग 1, 2, 3, 4A, तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में, एक में तो संघ राज्य है, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4A। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, 9, 10, 11, 12। अब ध्यान दो, यहां पर यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, यहां यह नहीं पूछा कि जब 1976 के या मूल संविधान के बारे में बात नहीं किया, डायरेक्ट पूछ रहा है कितने हैं अभी, तो अभी के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं अभी, ए ठीक, सॉरी 12 बोल रहा हूं, मेरा भी ध्यान कहां है यार, ठीक, टोटल कितने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, ठीक, 12 बोल रहा हूं, ज्यादा बोलो ना, ज्यादा कंटिन्यू करो ना तो दिमाग गोल हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है अभी, 11 है, 10 तो मूल संविधान में जब शामिल किया गया था तभी था, ठीक, और उसके बाद 11वें नंबर का समय कब शामिल किया गया, 2002 में शामिल किया गया, तो कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 1976 में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है, तो कौन सा संशोधन हुआ था, 40, 41, 42, 43, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42 वाला, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, भाग 2, 3, 4 और 5, तो कौन से भाग में है, भाग 4 में है, ठीक है। भाग 2 में तो नागरिकता है, 3 में फंडामेंटल राइट्स है और 5 में संघ के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ना है अपन को, क्लियर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, बिल्कुल मिस नहीं करना उसको, ठीक है।
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो कल्याणकारी राज्य के रूप में किस में कही गई है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देश तत्व के सिद्धांत में, भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में। तो किस में कही गई है? नीति निर्देश तत्व, और ये आर्टिकल 38 के तहत लोक कल्याणकारी, मतलब 36 से है आर्टिकल, मगर मेन मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहा गया आर्टिकल 38 में, और यहीं पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की गई है। क्लियर? तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा भाग है? नीति निदेशक तत्व भाग 4। क्लियर? फिर उसके बाद भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य, ये भी एक नया वर्ड है, तो लोक हितकारी राज्य सिंपल सा, ये तो आंसर आपसे बन जाएगा, सिंपल सा आंसर है नीति निदेशक तत्व, लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी, ये सब किसके किससे संबंधित है? ये नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों के नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज किससे है? आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 किस में आएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य दिवस किस दिन मनाने की वर्मा कमेटी द्वारा सिफारिश की गई थी? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो मैंने बताया है कौन सा जनवरी, 3 जनवरी को सिफारिश की गई थी वर्मा कमेटी के द्वारा कि हमें हर साल 3 जनवरी को क्या मनाना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज मनाना चाहिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत आपका चल देगा गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ही कहा था कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें प्रशासन कहाँ से शुरू करना चाहिए? ग्रामीण, निचले स्तर से करना चाहिए। तो गांधी जी के ही सपने को पूरा करने के लिए नेहरू जी ने क्या किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसी के तहत ग्राम पंचायत एवं पंचायत सबके बारे में बात कही गई थी। क्लियर? तो गांधीवादी विचारधारा में आता है आपका आर्टिकल 40। ठीक, ओके, चलो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? ऑप्शन जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नहीं, ये आपका आर्टिकल 40, ये चल देगा किसमें? राज्य के निर्देशक सिद्धांत में। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 है, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 चल देगा, जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राणायाम, दैहिक स्वतंत्रता चल देगा आपका 21 में। ठीक, क्लियर? वो आर्टिकल 19 भी चल देगा। क्लियर है? तो ग्राम पंचायत किस में चल देगा? निर्देशक सिद्धांत में चल देगा। ठीक, उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण के धारणा, धन का केंद्रीकरण। क्योंकि आर्टिकल 39, याद रखो आर्टिकल 39 बोलता है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, मगर कभी कभी धन का क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो इसके तहत किस में आएगा ये? राज्य के निदेशक तत्व में आएगा ये। ठीक, कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में है? ग्राम पंचायत है आर्टिकल 40 में। ठीक, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 50 शक्ति का विभाजन, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन। ठीक, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में बोलता है। क्लियर है? फिर उसके बाद निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के निदेशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा, मौलिक अधिकार आमीम नहीं है और नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है, निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। रुक जाओ, क्वेश्चन तो पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही बनाओ। पहला देखो, मैंने कहा था कि संविधान जो है ना वो शब्दों का खेल है। क्लियर? जब तक शब्द को सही से नहीं समझोगे संविधान नहीं बनने वाला। क्लियर है? तो पहले शब्दों को समझो, वो क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो एक बार फिर से इसको अच्छे से पढ़ते हैं अपन, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके आंसर को निकालते हैं। पहला बोल रहा है निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा।
ध्यान दो, मौलिक अधिकार को अदालत में ले जाया जा सकता है, मगर क्या निदेशक सिद्धांतों को ले जाया जा सकता है? नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच टकराव हुआ, ठीक, तो क्या तो निदेशक सिद्धांत अदालत, निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये? खाली सरल सरल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है ना भाई, शब्दों को थोड़ा सा समझो। निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा कि नहीं होगा अगर दोनों के बीच टकराव हुआ? होगा नहीं होगा? कमेंट्स बॉक्स में एक काम करना, बता इस क्वेश्चन का आंसर, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ठीक, मैं बता सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसको बताने में। ठीक, मैं इसका आंसर बता दूंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, अभी तक हम लोग, ये हमारी तीसरा वीडियो है, अभी तक सारे आंसर मैं बता रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जो जो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में जो चौथा वीडियो होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, उसमें मैं इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। मगर पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग दो, क्योंकि आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिसको, जो इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ भी चुके होंगे, और जो नए होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये एकमात्र क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट्स बॉक्स में मुझे, और मुझे चाहिए उसका आंसर हर हाल में, फिर मैं आपको आंसर दूंगा इसका। ऐसा चलेगा कि डायरेक्ट आंसर मैं ही बताऊँ? नहीं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, तब तो मजा आएगा पढ़ने में, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो एक तो खुद बनाओ, समझ में तो आए कि हाँ संविधान आ रहा है कि नहीं समझ में, मेन मुद्दा तो ये है ना कि हमें वो चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग देंगे, और क्या होगा आप लोग खुद बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक, पहला कि दोनों के बीच अगर टकराव हुआ तो क्या सिद्धांतों को अदालत में वर्चस्व होगा, और दूसरा बोल रहा है कि मौलिक अधिकार अमीम नहीं है और नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है। निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, अमीम नहीं है, नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है, क्या ये सही लाइन है? कि नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है, और उसके बाद निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, क्या निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है? है? बताओ, आप लोग आंसर बताओगे इसका, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, और जो मेरे को इसका आंसर बताएगा उसको मैं रिप्लाई भी करूंगा, और उसके लिए मैं कमेंट्स भी करूंगा उसी वीडियो में पक्का, मगर मैं चाह रहा हूं इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण, कौन सा सही नहीं है? 39 सही है, 40 सही है, 44 सही है, 48 कृषि और पशुपालन के बारे में बोलता है, तो ये वाला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 16, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कल्याण की अवधारणा। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा, एकता अखंडता वाला? तीसरे नंबर का है, तो आंसर इज सी, क्या आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया? 77, 78, 79, 76। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को किस में शामिल किया गया? संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके संविधान से अधिगृहित किया गया है? फ्रांस, कनाडा, यूएसएसआर, ब्रिटेन। यूएसएसआर को ही क्या बोला जाता है? रूस बोला जाता है। ठीक है,
क्लियर। तो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। आंसर इज सी। आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना सरल सरल खुद आंसर बता दे रहे हैं और एक तो कठिन क्वेश्चन है वो हमको दिए हैं। देखो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा होगा कि मैं पढ़ा मतलब यूट्यूब में मैं पढ़ा बताऊँगा आपको और आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। देखो ये कोई गलत बात नहीं है, है ना। आप लोग भी वीडियो देखोगे, आप लोग को भी थोड़ा सा खुद भी तो सोच के एक बार आंसर दो, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में ना। तब मैं भी तो देखूं कि कितने एक्टिव हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप पता तो चलना चाहिए ये, ठीक। सारा चीज़ तो मिल जा रहा है, हर चीज़ तो है, मगर मैं ये भी चाह रहा हूँ ना कि आप लोग भी खुद एक्टिव हो। क्लियर। कैसे ऑफलाइन अगर क्लास होती है, अगर कोई टीचर आपको कुछ वर्क देता है तो आप करके लाते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऑनलाइन अगर क्लास है और आपको कुछ वर्क दिया जा रहा हो तो आप करके ना आओ। आइए आप, यहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो हम उस टीचर की बात को माने, उसको फॉलो करें। क्लियर है। तो आप लोग प्लीज़ उसको जरूर बनाएगा, मुझे पक्का पता है कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चन का आंसर मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, आप उसको जरूर बनाएंगे। और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग बनाएं, ठीक। मैं तुरंत आंसर दूंगा, जो भी रिप्लाई करेगा उसको मैं तुरंत बताऊंगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। क्लियर है, ठीक। चलो, और गुड भी दूंगा, वेरी गुड भी बोलूंगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। करों के भुगतान के बारे में नहीं कहा गया है, किसमें? मूल कर्तव्य में। संविधान का पालन करना कहा है, संप्रभुता की रक्षा करना कहा है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी कहा है, मगर करों का टैक्स भुगतान करो ये नहीं कहा गया है। किसमें? फंडामेंटल्स ड्यूटीज में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? सहायोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति, स्वर्णसी समिति। तो किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्णसी समिति की सिफारिश पर कहा गया कि मूल कर्तव्यों को किसमें शामिल करो? संविधान में शामिल करो। क्लियर। पर्यावरण तथा जीव जंतुओं का संरक्षण कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां। पांचवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? भाईचारा, बंधुता बनाना, ठीक। छठवें नंबर का परंपरा संस्कृति के बारे में बात करता है, ठीक। आठवां नंबर वैज्ञानिक विधि के बारे में बात करता है, और सातवां नंबर बोलता है किसका? पर्यावरण का संरक्षण बोलता है, ठीक है। कौन से नंबर का? सातवें नंबर का। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो ये आपका आठवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज, सार्वजनिक संपत्ति नौवें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का पालन, आदर्शों का सम्मान पहले नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, इसके बारे में संविधान मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं कहा गया है। क्लियर, ओके। तो आंसर इज ए हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 43A, 44A, 45A, इनमें से कोई नहीं। तो सहकारी समिति किस में है? 43A में क्या है? प्रबंधन। 45A कुछ नहीं, 44A कुछ नहीं, 43B में कहा गया है। किसके बारे में? सहकारी समिति के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 48, 49, 50, 51। तो 48 तो आपका कृषि पशुपालन है, 49 आर्टिकल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण है, ठीक। शक्ति का विभाजन है आपका 50 नंबर पर, और अंतर्राष्ट्रीय शांति है 51 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का आर्टिकल, जिसमें शक्ति का विभाजन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में कार्यों का विभाजन, शक्ति का विभाजन के बारे में कहा गया है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है क्या है? प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। तो पहला ही मौलिक कर्तव्य है हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। क्लियर, ठीक। ये थे आपके 25 क्वेश्चन,
ठीक, धन्यवाद बोल दिया जाए आप सभी को कि आपने इस वीडियो को देखा, क्लियर। और मुझे भी थैंक यू, खुद को ही मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ये बताया। जो होमवर्क मैं दिया हूँ, जो बताया हूँ, उसको आप ज़रूर मुझे बताइएगा आंसर, कोशिश करना एक बार। देखो कोई बड़ी बात नहीं मेरे को उसको बताने में, मगर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा खुद भी एक्टिव तो हो यार, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में ना, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो मज़ा है ना, जितना मज़ा लोगे पढ़ने में उतना ज़्यादा और ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर पढ़ने का इंटरेस्ट और जागेगा, क्लियर। तो उसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे मुझे, ठीक है। और अभी आज जो क्लास हुआ, इसमें जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो आपको, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ये भी बताना कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, या इस क्वेश्चन में, या इस पार्ट में, इस पोर्शन में, या इस कंटेंट में किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्लियर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, उसी जज्बे के साथ कि जिस जज्बे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और वो जज्बा क्या है कि आर या पार, पैदल या कार, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।